अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे शाहरुख खान को उनकी वाइफ गौरी ने रात 12 बजे सरप्राइज दिया। गौरी ने न सिर्फ विश किया बल्कि शाहरुख ने अपनी पूरी फैमिली के साथ केक भी काटा, जिसकी फोटो ट्विटर पर शेयर की गई। शाहरुख ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए रिटर्न गिफ्ट देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म फैन का सेकंड टीजर ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, साथ ही अपने सारे फैंस की गुड विशेस के लिए थैंक यू भी कहा। शाहरुख अपना बर्थडे फैमिली और फैंस के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, जहां वो अपने फैंस के अलावा मीडिया से भी इंटरेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, नाइट में पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन का एक पार्ट उनकी अपकमिंग फिल्म फैन का टीजर रिलीज होना भी होगा। शाहरुख के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू करने वाली अनुष्का ने बताया कि शाहरुख अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है। उनके काम, उनकी इंटेलिजेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। वहीं ओम शांति ओम से शाहरुख के साथ बॉलीवुड में एंट्री करने वाली दीपिका ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब वो शाहरुख से पहली बार मिली थी तो वो बहुत नर्वस थी और उनकी जीभ जम सी गई थी। रियलिटी शो बिग बॉस डबल ट्रबल में इस वीकेंड सैटरडे को अरविंद वेगड़ा के एलिमिनेट होने के बाद संडे को विकास भल्ला घर से बाहर हो गए और अब बिग बॉस में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत ऋषभ सिन्हा घर में एंटर होंगे। अजय देवगन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म शिवाय की शूटिंग शुरू हो गई। बल्गेरिया में शूटिंग के बाद फिल्म का ज्यादातर पोर्शन मसूरी में शूट किया जाएगा। फिल्म में सायरा बानो की ग्रैंड नीस सयशा सहगल अजय के साथ रोमांस करती दिखाई देंगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और डायरेक्टर विकास बहल की हिट फिल्म क्वीन के बाद दोनों की फिल्म्स कुछ कमाल नहीं कर सकी, लेकिन जल्द ही दोनों साथ में प्रोड्यूसर मधु मंटेना और डिजाइनर मसाबा गुप्ता की संगीत सेरेमनी में आइटम नंबर करते हुए दिखाई देंगे, जहां दोनों चांदनी के सॉन्ग मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पे परफॉर्म करेंगे। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।